राधे राधे फ्रेंड्स, श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय अर्जुन विषाद योग के 24, 25, 26, 27, 28 और 29वें श्लोक का वर्णन करने जा रहे हैं। संजय बोली, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा, हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख। इसके बाद प्रथापुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित ताऊ चाचाओं को, दादों परदादों को, गुरुओं और मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पोत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और सुहृदों को भी देखा। उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए यह वचन बोले। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंप और रोमांच हो रहा है। राधे राधे। ओम नमो भगवती वासुदेवाय। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।